नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सेटलमेंट के बारे में, किसी भी लोन के सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सेटलमेंट कराना है। अगर आपने भी कोई भी लोन लिया है और आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया है और आपके पास फंड नहीं है और आप सेटलमेंट कराना चाहते हैं, देखिए दोस्तों सेटलमेंट एक ऐसा शब्द है जिसमें कि आप एक प्रकार से बैंक के साथ समझौता करते हैं, चाहे बैंक आपके साथ समझौता करती है। पहले हम लोग जानते हैं कि सेटलमेंट होता है या नहीं। बहुत से आप लोगों में से लोगों का ये डाउट रहता है कि सर मेरा सिक्योर्ड लोन है तो क्या मेरा सेटलमेंट होगा या नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पर्सनल लोन लिए हुए हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट नौकरी में है और उसने अगर पर्सनल लोन लिया है तो वो भी ये पूछता है कि सर मेरा सेटलमेंट होगा या नहीं होगा। देखिए, जब बैंक को ऐसा लगता है कि उसका जो NPA है, यानी कि जो उसने पैसा दिया है लोन का, वह पूरा का पूरा उसको नहीं मिल पाएगा तो वो सेटलमेंट की बात आपसे करता है, या फिर आपके पास पूरा का पूरा फंड नहीं है तो भी आप सेटलमेंट की बात करते हैं। तो सेटलमेंट जो शब्द है वह एक प्रकार से समझौता है, बैंक सेटलमेंट करती है, इसमें किसी प्रकार से कोई भी डाउट नहीं है। देखिए सेटलमेंट कैसे होता है इसको भी जानना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि सेटलमेंट किस अमाउंट पे होता है। तो देखिए, अगर आपने कोई भी 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया है और आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया है और बैंक ने उसको आउटस्टैंडिंग के रूप में, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी, इन तीनों को जोड़ करके अगर 7 लाख रुपए बनाया है, तो इसमें जो आपका मूलधन है यानी कि जो प्रिंसिपल जितना आपको पैसा मिला है, सेटलमेंट हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे यानी कि मूलधन पे होता है, न कि इंटरेस्ट पे और न कि पेनल्टी पे, आउटस्टैंडिंग पे कभी नहीं होता है। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है और अगर आप बैंक के साथ सेटलमेंट करते हैं तो बैंक आपको टोटल आउटस्टैंडिंग पे ही सेटलमेंट की बात कहता है। अगर आप बैंक से कहते हैं कि सर हमारा सेटलमेंट तो प्रिंसिपल पे होगा, हमें पता है कि प्रिंसिपल अमाउंट पे ही सेटलमेंट हुआ करता है। अगर आप बैंक को कन्विंस करने में सक्षम हैं, यानी कि आप अपने बात को बैंक को कहने में, उसे समझाने में सफल हो जाते हैं, तो बैंक आपके पर्सनल लोन का सेटलमेंट आपके प्रिंसिपल पे करता है। यही प्रक्रिया आपके सिक्योर्ड लोन पे भी लागू होती है। जब भी आपका कोई मकान मॉर्गेज के रूप में किसी बैंक के पास गिरवी है और आपके पास फंड नहीं है, आप डिफ़ॉल्ट कर दिए हैं, 13-2, 13-4 की नोटिस आई है, अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको हायर अथॉरिटी रीजनल ऑफिस में जा करके रीजनल मैनेजर से मिल करके अपना सेटलमेंट कराना होगा और वहाँ भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट पे भी सेटलमेंट होता है। इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन सेटलमेंट होता है। बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हमारा लोन सिक्योर्ड है तो क्या हमारा सेटलमेंट होगा या नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपका सेटलमेंट हो जाएगा जिस प्रकार से मैंने आपको बताया। अब हम लोग बात करते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सरकारी नौकरियों में होते हैं और उन्होंने पर्सनल लोन लिया होता है और उस पर्सनल लोन को वो चुका नहीं पाते हैं क्योंकि उनके और लोन चलते रहते हैं, तो जिससे कि उनकी सैलरी और उनकी EMI दोनों आपस में बराबर होती हैं। कभी कभी EMI ज़्यादा होती है, सैलरी कम होती है, तो ऐसे कंडीशन में वो व्यक्ति अपने पर्सनल लोन या किसी भी सिक्योर्ड लोन का सेटलमेंट आसानी से करा सकता है। देखिए, आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सेटलमेंट शब्द बना ही हुआ है कंप्रोमाइज़ करने के लिए। सेटलमेंट बैंक भी करती है और बॉरोअर भी ऑफ़र मांगते हैं। तो सेटलमेंट की प्रक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे OTS हो गया। OTS की जो स्कीम होती है वो बैंक देने का अधिकारी होता है, आप डायरेक्ट बैंक से नहीं मांग सकते हैं। OTS स्कीम हमेशा फरवरी महीने में आती है और मार्च महीने तक रहती है। उसके अलावा आप रेगुलर सेटलमेंट भी बैंक से करा सकते हैं। रेगुलर सेटलमेंट का मतलब ये है कि जब OTS स्कीम नहीं होती है तो आप रेगुलर सेटलमेंट यानी कभी भी बैंक के साथ सेटलमेंट कर सकते हैं। तो सेटलमेंट करने में कोई बुराई नहीं है। इसमें अगर आपका सिबिल स्कोर थोड़ा सा डाउन भी होता है तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज का जो समय है वो टेक्नोलॉजी का समय है, आज का जो समय है वो फैसिलिटीज़ का समय है, तो आप अपने सिबिल स्कोर को भविष्य में
कहीं से भी सही करा सकते हैं। पहले आपको अपना वर्तमान समय देखना है, और अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप अपना लोन सेटल करा लें, इसी में आपकी भलाई है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आपने भी किसी बैंक से कोई भी लोन लिया है और आप उस लोन को भरने में सक्षम नहीं हैं, या फिर आपके पास बैंक लीगल नोटिस भेज रही है, आपको लीगल नोटिस का जवाब देना है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको सेटलमेंट कराना है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही अपने लिए लीगल एडवाइस ले सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।